नमस्कार, मैं हूँ स्वराज श्रीवास्तव। सिक्स वर्ड हॉरर, जी हाँ, ये वही ट्रेंड है जो कि ट्विटर पर इस वक्त चल रहा है। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल से ही ट्विटर पर हैशटैग सिक्स वर्ड हॉरर ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये सिक्स वर्ड हॉरर चैलेंज, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, और आखिर क्यों लोगों के बीच ये सिक्स वर्ड हॉरर चैलेंज इतना पॉपुलर हो गया, तो ये सब कुछ जानने के लिए आज आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना पड़ेगा और आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वो आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जब लोग कैंप लगा करके, आग जला करके एक दूसरे को भूतिया कहानियाँ सुना रहे होते हैं, हॉरर वाली, जिससे लोग डर रहे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ज़माना थोड़ा सा डिजिटल हो चुका है। तो आजकल वो काम हम कैंप लगा करके, आग जला करके जंगलों में नहीं करते बल्कि डिजिटल माध्यम से करते हैं, ट्विटर पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरीके का एक हॉरर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो बात कर लेते हैं सिक्स वर्ड हॉरर चैलेंज की। ट्विटर पर ये चीज़ इतनी ट्रेंड कर रही है, लोग इस पर लिखे जा रहे हैं, और नाम से आप जान सकते हैं सिक्स वर्ड हॉरर का मतलब ये हुआ कि आपको सिक्स वर्ड्स में कोई एक ऐसी स्टोरी बतानी है जो कि हॉरर हो, यानी कि लोग उससे डर जाएं। सिर्फ इतनी सी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद ये बात ट्विटर पर ट्रेंड कर गई। और कल देखिए, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा था, ट्विटर इंडिया पर, और पूरे वर्ल्ड में भी ये ट्रेंड किए जा रहा था। और आज भी स्थिति यही है कि सिर्फ थोड़ी सी बदलाव इसमें देखने को मिली है, लेकिन कल तक जहां ट्विटर पर हैशटैग सिक्स वर्ड हॉरर ट्रेंड कर रहा था, वहीं आज हैशटैग सिक्स वर्ड हॉरर स्टोरी ट्रेंड कर रही है। अब आपके मन में जो सवाल सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है वो ये कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, किसने की। तो आपके बता दें कि एक कॉमिक्स एंड एनिमेशन राइटर हैं, गेल सिमोन, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, ट्वीट करके लिखा कि टुडेज चैलेंज इजंट न्यू बट आई स्टिल थिंक इट्स फन, राइट अ हॉरर स्टोरी इन सिक्स वर्ड्स, प्लीज़ यूज़ हैशटैग सिक्स वर्ड हॉरर। तो हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो चैलेंज है वो नया नहीं है, पर उन्हें लगता है कि ये काफ़ी मज़ेदार होगा। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रेडिट पर ये जो ट्रेंड था वो काफ़ी साल पहले ही चल चुका था, लेकिन ट्विटर के लिए ये बिल्कुल नया है और गेल सिमोन ने इस ट्रेंड को शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि आप एक स्टोरी लिखिए, हॉरर स्टोरी जो कि लोगों को डराए, सिक्स वर्ड्स में हो, और उसके साथ हैशटैग का यूज़ करिए सिक्स वर्ड हॉरर। तो जो गेल सिमोन है वो एक कॉमिक्स एंड एनिमेशन राइटर हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने एक के बाद एक कई सारे इसको लेकर के ट्वीट किए, और करती भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें इस हैशटैग को ट्रेंड जो कराना था। और वो कहते हैं ना कि अगर कहीं चिंगारी लगी हो, उसको थोड़ी सी हवा दे दो तो वो आग पकड़ लेती है। और इस चिंगारी को भड़काने का काम किया ट्विटर के एक हैंडल, ट्विटर मोमेंट्स ने। उसने इस चीज़ को ट्रेंड करा दिया सिर्फ ये ट्वीट करके कि टर्न्स आउट यू कैन बी रियली क्रिपी इन सिक्स वर्ड्स और लेस, हैशटैग सिक्स वर्ड हॉरर। मतलब कि ट्विटर मोमेंट्स का जो ये हैंडल है, उसने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया, और करता भी क्यों ना, क्योंकि इसका काम ही यही है, ट्विटर पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, उनके बीच इस माहौल को और गर्माना। ये काम ट्विटर मोमेंट्स ने कर दिया, और उसके बाद से एक के बाद एक लोग इस पर ट्वीट किए ही जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देख लीजिए, पेप्सी ने भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। इसके बाद वेरी ब्रिटिश प्रॉब्लम्स, ये बुक्स है, बुक्स के लिए एक कंपनी है, ब्रिटेन में काफ़ी पॉपुलर है, उसका भी ट्वीट आया इस पर। उसके बाद मैरी कॉपेनी, एक तरीके के एनजीओ में काम करती हैं फ्लिंट के, उनका ट्वीट देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो है YouTube इंडिया का, YT क्रिएटर्स इंडिया नाम से ये जो हैंडल है, उसने ये ट्वीट किया, और इसी ट्वीट ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बना करके आपको बता दूं कि आखिरकार ये ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ। और वाकई यूट्यूब के ये जो क्रिएटर्स इंडिया वाला हैंडल है, उसने वाकई एक ऐसी चीज़ लिखी है जो कि हम सभी क्रिएटर्स के दिल को काफ़ी छू जाती है।
उसने लिखा है, दिस मेमोरी कार्ड हैज़ नो डाटा। और हर क्रिएटर को कभी ना कभी इस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा कि उसका मेमोरी कार्ड अगर करप्ट हो गया और बाद में आपको पता चलता है कि आपके मेमोरी कार्ड में कोई डेटा बचा नहीं रह गया। तो ये वाकई एक काफ़ी हॉरर चीज़ है सभी क्रिएटर्स के लिए, ख़ासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए जो कि मेमोरी कार्ड पर ही ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं। और आम लोगों के लिए भी ये उनकी निजी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मेमोरी कार्ड का करप्ट हो जाना। और लास्ट में यूपी पुलिस जो कि मुंबई पुलिस की तर्ज पर आजकल ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हो गई है, उसने भी अपने यूपी डायल 100 वाले ट्विटर हैंडल से ये लिखा है कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड सिक्स वर्ड हॉरर। मतलब 6 शब्दों में यूपी पुलिस ने भी ये बताने की कोशिश की है कि आपके लिए अगर आपके अकाउंट में से, आपके बैंक अकाउंट में से आपका अमाउंट डेबिट हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा हॉरर है आप सभी के लिए। और 6 वर्ड हॉरर में यूपी पुलिस ने भी अपना ट्वीट आखिरकार दे ही दिया है। तो सभी ने लगभग ट्वीट कर ही लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय भी ट्विटर पर 6 वर्ड हॉरर जो है वो ट्रेंड किए जा रहा है। लोग उस पर अभी भी ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको पता ही है कि ये ट्विटर है, कभी इस वक्त इस पर जैसे भी ट्रेंड किया करता था, लेकिन इस समय #6WordHorror ट्रेंड कर रहा है। और अगर आपने भी अभी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है तो जाकर के कर दीजिए, क्योंकि ट्विटर है, कभी भी कुछ भी ट्रेंड कर सकता है। तो ट्रेंड्स के मज़े लूटिए और #6WordHorror पर कुछ भी ऐसी स्टोरी लिखिए जो कि आपको लगती है कि वो लोगों को डरा सकती है। तो ये वो पूरी स्टोरी थी 6WordHorror के पीछे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपकी 6WordHorror स्टोरी। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो आपको एक हॉरर मैं बताता हूँ। चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है वो रेड कलर का होगा, उसको प्रेस करिएगा तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। यकीन मानिए, आप करके देखिए, ऐसा वाकई होता है। और ये हो रहा है क्योंकि उस बटन में एक हॉरर स्टोरी छुपी हुई है। तो एक बार ज़रा सब्सक्राइब बटन प्रेस करके देखिए। तो मैं मिलूँगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।